हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपने भी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपनिंग किए होंगे तो आपका भी एटीएम डेबिट कार्ड आपके घर पर प्राप्त हुआ होगा। कुछ इस तरह से लिफाफे में आपको आपके घर पर एटीएम डेबिट कार्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसका अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और कुछ इस तरह से हमारा डेबिट कार्ड है। उसके बाद आप सभी को इसका एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक का जरूर देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिला है, चलिए इसका पिन जनरेट करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटीएम पिन जनरेट करने के लिए सिंपली आपको पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम विजिट करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एटीएम का डिस्प्ले शो होगा। सिंपली आप अपना कार्ड को इंसर्ट करेंगे जब ग्रीन लाइट शो हो। तो जैसे आप अपना कार्ड को इंसर्ट करेंगे, कुछ देर आपको वेट करना है और यहाँ पे देखेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन में क्रिएट चेंज पिन और जी पिन। तो यहाँ पे किसी समय आपको ग्रीन पिन शो होगा। तो सिंपली यहाँ पे ओटीपी जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को वैलिडेट करना है। तो OTP वैलिडेट करने के लिए आप अपना मोबाइल में चेक करेंगे, जब OTP आ गया हो तो फिर से आपको अपना कार्ड इंसर्ट करना है ATM में। तो जैसे आप अपना कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ देर वेट करना है और उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट चेंज पिन और जी पिन। नेक्स्ट अब आपको OTP वैलिडेशन करना है। तो सिंपली OTP वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और आपको जो 6 डिजिट का ग्रीन पिन मिला है, सिंपली उस OTP को यहाँ एंटर करके और सिंपली यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यस करते हैं, यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट का आपका अपना पिन सेट करना है। मनपसंद जो भी आपका पिन होगा सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना। अभी डिस्प्ले में क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आपको अपना ATM पिन एंटर करके सेट करना है। जैसे आप अपना ATM पिन सेट कर देते हैं, सिंपली यस पर क्लिक करेंगे, आपका पिन चेंज सक्सेसफुली हो जाएगा और आप उस पिन से अपना ATM कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ATM कार्ड को बाहर निकालते हैं, फिर से अभी हम उसी ATM कार्ड से विड्रॉल करके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से अपना कार्ड इंसर्ट करना है और कुछ देर वेट करना है। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा, बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फास्ट कैश विड्रॉल और यहाँ पे कैश विड्रॉल है। सिंपली आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करेंगे। अभी हम अमाउंट एंटर कर दिए हैं और वही पिन को एंटर करते हैं जो अभी हमने बनाया था। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस में हो चुका है। सिंपली इसको हम नो करेंगे और हमारा कैश विड्रॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा योर ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज़ वेट। कुछ देर हम वेट करेंगे और यहाँ पर देखिए कैश काउंट हो रहा है और यहाँ पर कैश निकल चुका है। सिंपली आपको कैश ले लेना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरह से आप अपना ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं और अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ATM कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की CSE और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।